कर लेते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा सक्ती जिले में पहुंची, जहां राहुल गांधी ने अपने उद्बोधन में पिछड़े वर्ग और निचली जाति के हित की बात करते हुए नरेंद्र मोदी पर अन्याय करने का आरोप लगाया। इस दौरान अग्रसेन चौक में राहुल गांधी ने आम सभा को संबोधित किया। अपने उद्बोधन में राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जो उद्योगपतियों के हित में ही काम कर रही है, जबकि छोटे व्यापारी, आम नागरिक, पिछड़ी जाति के लोग अन्याय के शिकार हो रहे हैं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं तो ये जो पिछड़ों की मदद का काम है, दलितों की मदद का काम है, आदिवासियों की मदद का काम है, तो ये करवा क्यों नहीं रहा है। मैंने सोचा, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करवा रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब पैदा हुए थे तो उनकी जो जात थी वो ओबीसी थी नहीं। वो ओबीसी पैदा ही नहीं हुए। वो ओबीसी कब बने? जब गुजरात में बीजेपी सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल किया। मोदी जी की जाति क्या है? घांची, घांची, मोट घांची, गुजरात में। ये ओबीसी जात नहीं थी। इसको 2000 में बीजेपी की सरकार ने ओबीसी बनाया। इसका मतलब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जाति जनगणना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओबीसी है ही नहीं। वो है ही नहीं। वो एक्चुअली कहते हैं ओबीसी, उनको बैठाया गया है भाइयों और बहनों, उनको बैठाया गया है। वो ओबीसी नहीं है और वो ओबीसी का, पिछड़ों का, गरीबों का। देव साय सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद भाजपा नेताओं ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय पटेल ने कहा कि गांव, गरीब, किसानों के हित का बजट है। छत्तीसगढ़ को विकास की ओर अग्रसर करने, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं का इस बजट में प्रावधान किया गया। वरिष्ठ पत्रकार मनभावन सिंह उइके ने कहा कि वित्त मंत्री ने लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया, सभी क्षेत्रों का विकास हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। प्रदेश के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं और एक कलेक्टर से त्याग पत्र देकर राजनीति में पहुंचे एक पढ़े लिखे और होनहार युवा प्रदेश के वित्त मंत्री है ओपी चौधरी जी। उनके द्वारा जो बजट लाया गया है, उस बजट में निश्चित ही, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं पत्रकार के हैसियत से, कि मतलब उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। और कुछ चीज़ें मान लो रह भी गई होगी तो आने वाला जो बजट होगा, जो साल होगा, उसमें उसको पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्योंकि भावना बोरा ने फीता काट कर विधायक कार्यालय का उद्घाटन किया। वही उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता और महिलाएं भी मौजूद रही। विधायक भावना बोरा ने विधायक कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आरती की। साथ ही भावना बोरा ने मीडिया को कहा कि नर सेवाई नारायण सेवा के भाव से इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आज पंडरिया मंडल में विधायक कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इसके पहले कुंदू में और पाडातरी में भी विधायक कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। निश्चित ही आवेदनों में तो झड़ी लग रही है क्योंकि पिछले 5 साल में जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है तो काफी पेंडिंग नहीं है। लोग काफी परेशान है, बहुत सारे आवेदन अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग विभागों से संबंधित है, तो यही कोशिश है कि उसका निराकरण किया जा सके और उसी कार्यालय को आज शुरुआत की है। 7 कार्यालय, जैसे मैंने चुनाव के समय भी कहा था कि लोगों को भटकना न पड़े, उनकी जगह पर उनको सुविधाएं मिले, उनकी समस्याओं का समाधान मिले, इसके लिए 7 मंडल में एक विधायक कार्यालय खोलने की बात हुई थी, जिसमें से 3 मंडल में आज कार्यालय। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के नए पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने जिला पुलिस कार्यालय के सभी शाखाओं का जायजा लिया, जिसमें सभी शाखा प्रभारियों को शाखा के रिकॉर्ड को व्यवस्थित ढंग से वर्षवार रखने और कार्यालय के शाखाओं में लंबित शिकायत पर जांच की गई। साथ ही विभागीय पेंडिंग शिकायत जांच पत्रों की शीघ्र जांच करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
खबर बेमेतरा जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल खेल मैदान का है, जहां राजपूत क्षत्रिय महासभा के 60वें महाधिवेशन का कार्यक्रम हुआ। वहीं महिलाओं ने परंपरागत पीले कलर की साड़ी पहनकर नगर में कलश यात्रा निकाली। गौरतलब है कि बेमेतरा जिला को राजपूत क्षत्रिय समाज के 60वां महाधिवेशन की मेजबानी मिली और 2 दिवसीय समारोह में प्रथम दिवस शोभायात्रा निकालकर सामाजिक पत्रिका का विमोचन, प्रतिनिधियों का सम्मान और रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिता सम्मान समारोह आयोजन किया गया। आज के हमारा राजपूत क्षेत्रीय महासभा छत्तीसगढ़ राष्ट्र का 12वीं का 60वां अधिवेशन माँ भद्रकाली की पावन धरा बेमेतरा में बेमेतरा जोन में है, जिसमें हमारे विभिन्न सम्मानित उप समितियाँ और खान खमहरिया, साजा, नवागढ़, मारो, कमरधा सभी के अध्यक्ष महोदय और पूरे आम सदस्य शामिल हैं और पूरे प्रदेश से हमारे राजपूत स्वजाति बंधु हमारे बेमेतरा आज पहुँचे हुए हैं। अभी कलश यात्रा को हम स्वागत करते हुए लाए हैं यहाँ से, जो राजिम से आया है, और इसके बाद हमारे केंद्रीय पदाधिकारीगण पधारेंगे और ध्वजारोहण के साथ हमारा